डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पॉइंटर्स के बारे में C++ में बात करी थी, जिसमें ये बताया था कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन प्रेस करके आप जाके देख सकते भी हैं। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज वॉट? तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मेमोरी इज लोकेटेड और डी एलोकेटेड। तो एलोकेट जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होती है उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और जो उसको उसी समय पर फ्री कर दिया जाता है, हमारे यूज में नहीं होती तो हम उसे फ्री कर देते हैं, उसको बोलते हैं डी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन। तो हालांकि सी के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया गया है मैलॉक और कैलॉक के फंक्शन के, मैलॉक कैलॉक रीअलॉक, और उसको रिलीज किया गया है फ्री फंक्शन के थ्रू। हालांकि ये सब सी में एक छोटे से रूप में था, उसी का यूज़ यहाँ पे भी किया जाता है, क्योंकि C++ इज द एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में वो चीज़ बढ़ के आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे दो ऑपरेटर होते हैं, हालांकि वहाँ चार फंक्शन थे, यहाँ पे सिर्फ दो ऑपरेटर हैं, एक न्यू और एक डिलीट। तो न्यू ऑपरेटर का काम होता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट क्रिएट्स द मेमोरी विच एवर इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत होती है उतनी मेमोरी क्या होती है एलोकेट की जाती है, बस उसको बोलते हैं न्यू ऑपरेटर के थ्रू करना, यानी कि डायनामिकली एलोकेट करना। जब काम खत्म हो जाता है, यूज में नहीं होता, तो हम उसको क्या करते हैं, डीएलोकेट करते हैं, यानी कि हमारा ऑपरेटर यूज होता है डिलीट। डिलीट और न्यू दोनों के दोनों हालांकि यहाँ पे कीवर्ड होते हैं, और दोनों को कैसे यूज करते हैं उनके मैं सिंटैक्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बोर्ड पे जो बना हुआ है उसमें क्या लिखा है, न्यू कीवर्ड, दिस ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट अ स्पेस फॉर एनी वेरिएबल डायनामिकली। इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं होती इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेट होगा या फ्लो, जिस तरह का डेटा टाइप आप लिखेंगे उस तरह के डेटा टाइप की मेमोरी एलोकेट होती है, जितनी स्पेस आप चाहते हैं उतनी ये करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे सिंटैक्स की करता कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा है डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद स्टार पीटीआर यानी कि पॉइंटर लिखा है। इस पॉइंटर को डिक्लेयर करके जितनी जरूरत हो मेमोरी एलोकेट करने का पहला सिंटेक्स ही है पॉइंटर इक्वल टू न्यू, न्यू ऑपरेटर है या न्यू कीवर्ड है, और उसके आगे डेटा टाइप और फिर साइज लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जो लिख देते हैं उतने साइज का उस डेटा टाइप का मेमोरी एलोकेट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका एक एग्जाम्पल दिखाओ। तो एग्जाम्पल दिखाने के लिए अगर हम बात करें कि 5 इंटीजर्स के लिए स्पेस क्रिएट करनी है मुझे, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर में पॉइंटर क्रिएट किया और ptr इक्वल टू न्यू इंटीजर 5 लिख दिया, न्यू इन 5 लिख दिया। तो इस तरह से अगर कर दें तो 5 इंटीजर्स के लिए इंटीजर जितनी बाइट लेता है, जैसे 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट के 5 ब्लॉक इस क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, अब एक और तरीका है इसका सिंटैक्स, एक और देखो, ये भी एक सिंटैक्स है इसका। इस सिंटैक्स को अगर यूज किया जाए तो इसमें सिंगल लाइन होती है, वहां पे 2 लाइन में किया था, यहाँ सिंगल लाइन में डेटा टाइप फिर स्टार पॉइंटर और फिर इक्वल टू न्यू डेटा टाइप फिर साइज लिखा जाता है। जो ये लिखा हुआ है इसको भी यूज कर सकते हो आप, चाहे कोई सा भी यूज करो, दोनों अपने आप में काम करते हैं। और फिर इसका एग्जाम्पल भी देख लो, न्यू इंट ptr, न्यू इंट ptr, इंट एस्टेस ptr इक्वल टू न्यू इंट 5, ऐसे करके 5 मेमोरी एलोकेट हो गई इंटीजर टाइप की। ठीक है, इसको यूज करके दिखाने से पहले, हालांकि मैं इसे यूज करने के करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं डिलीट का भी हालांकि सिंटैक्स बता देता हूं। तो डिलीट इज अ कीवर्ड अगेन, और इट इज यूज टू डी एलोकेट, यानी कि जो डायनामिकली आपने लोकेट की थी न्यू के थ्रू, आप जब जरूरत पड़े उसको डी एलोकेट कर सकते हैं। तो इट इज यूज फॉर डायनामिकली डी एलोकेशन, मतलब ऑपरेटर इज यूज टू फ्री इट डायनामिकली एलोकेटेड स्पेस, मतलब उसको न्यू ने जो क्रिएट किया था उसको डायनामिकली ये डिलीट यानी कि फ्री कर देता है। इसका सिंटैक्स अगर देखें तो डिलीट और ptr लिखते हैं बस, जो पॉइंटर होता है उसका नाम लिख दो और फिर उसके आगे डिलीट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, जैसे डिलीट ptr लिख दिया, तो वो ptr को जो एड्रेस है उसके ऊपर जो मेमोरी एलोकेटेड है वो सारी की सारी फ्री हो जाती है। तो इसका यूज हम बड़े आराम से पॉइंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स में। हालांकि एक एग्जांपल सिंपल देने के बाद मैं उसका एक एग्जांपल कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का भी बताऊंगा। तो देखो, मैं इसका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और आपके सामने है एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, एम है, वो क्या है,
वो ये है कि एक यूजर से स्ट्रिंग ली जाएगी। अब स्ट्रिंग का साइज मुझे पता नहीं वो कितने कैरेक्टर्स डालेगा, तो मैंने ये मान लिया लगभग वो 20 कैरेक्टर्स डालेगा। अगर वो 6 कैरेक्टर्स डालता है तो मेरे 14 कैरेक्टर्स की स्पेस वेस्ट जाएगी, और अगर वो 21 कैरेक्टर्स डालता है तो मेरा क्या होगा, मेरा मेमोरी का स्पेस कम पड़ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैटिक एलोकेशन। हालांकि सी और सी प्लस प्लस में जब एरे एलोकेट करता है तो स्टैटिक एलोकेशन करता है, और स्टैटिक एलोकेशन में हमें प्रॉब्लम हो जाती है जो मैंने बताया, या तो हैंग होता है यानी कि मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है, या फिर कम चाहिए होती है तो वो वेस्ट चली जाती है। दोनों बातें पॉसिबल है। तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, एक में चलो इसमें तो हमने स्ट्रिंग को यूजर से मांग लिया, स्टर में एंटर द स्ट्रिंग, और वो स्टर में उसने डाल दिया। सपोज करो 4 करेक्टर डाले, 10 करेक्टर डाले, 20 तक कितने भी डाल दिए, वो बाकी जो वेस्ट ना जाए उसको बचाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और पॉइंटर मैंने क्रिएट किया है। स्टर तो मेरा एक अरे है जो करेक्टर टाइप का है, अब मैंने एक पॉइंटर बनाया पीटीआर जो करेक्टर टाइप का है, पॉइंटर टू करेक्टर है। अब इसको क्या करूंगा कि मैं जो स्टर में मेरी वैल्यू आएगी मैं उसकी कॉपी बनाना चाहूंगा एक दूसरी स्ट्रिंग में। उसके लिए मुझे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, कितनी करनी है मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो मैं 20 की करता, मतलब 20 और 20 दोनों बराबर, और 4 बाइट इसमें यूज होते और 4 ही उसमें यूज होते, तो 16 + 16 32 बाइट्स बेकार चले जाते। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि म्यूजिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो पहले जो आया है हमारे पास स्ट्रिंग उसकी निकालते हैं लेंथ, हाउ मच कैरेक्टर्स इज स्टोर्ड इन दिस इन स्टर। तो स्टर में जितने कैरेक्टर स्टोर्ड है उसकी लेंथ निकल के आ गई, एक लेंथ प्लस 1 करके मैंने न्यू से स्पेस यहां पे क्रिएट कर दी न्यू के थ्रू। ठीक है, जो स्पेस क्रिएट की है उसका एड्रेस रिटर्न करता है पीटीआर के अंदर पहुंच जाएगा। एल प्लस 1 क्यों लिखा, देखो कोई भी स्ट्रिंग जब स्टोर की जाती है तो जितने कैरेक्टर्स होते हैं प्लस 1 टर्मिनेटर यानी कि नल कैरेक्टर लगाया जाता है, इसलिए एक स्पेस मैंने यहाँ पे ज्यादा क्रिएट की है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिफोर कॉपी में दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ एसटीआर और पीटीआर की वैल्यू। स्टर में तो वो आएगा जो आपने डाला होगा, लेकिन पीटीआर में क्या आएगा, पीटीआर में कुछ भी नहीं, गार्बेज आएगा, क्योंकि आपने मेमोरी तो एलोकेट कर दी उसमें कुछ रखा नहीं तो गार्बेज आएगा। इसके बाद स्टर सीपीवाई फंक्शन जो हमने सी में पढ़ाए हैं सी स्ट्रिंग के अंदर, उस कॉपी फंक्शन के द्वारा मैंने स्टर की कॉपी पीटीआर में डाल दी। पहला हमेशा डेस्टिनेशन होता है, दूसरा हमेशा सोर्स होता है, तो सोर्स की कॉपी पीटीआर आएगी। अब जितनी स्पेस क्रिएट होगी उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगा। आफ्टर कॉपी जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, वो पीटीआर की वैल्यू स्टर की वैल्यू दोनों सेम प्रिंट होंगी। उसके बाद जब मेरा काम खत्म हो चुका होगा तो मैं पीटीआर को रिलीज करूंगा। रिलीज करने का तरीका डिलीट लगा के पीटीआर लगा दो। तो इस काम में आप देख रहे हैं जितनी बाइट्स की जरूरत थी बस पहली स्ट्रिंग में तो मेरी वेस्ट गई, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग में मेरी एक भी बाइट बेकार नहीं जाएगी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने यहां लिखा राकेश, तो दूसरी में देखो बिफोर कॉपी क्या दिखा रहा है पीटीआर में, गार्बेज दिखा रहा है, और आफ्टर कॉपी राकेश राकेश दोनों में दिखा रहा है। तो इस तरह से मेरी वाइट वेस्ट ना जाए हम डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करते हैं। उसके लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ न्यू और डिलीट का दिया हुआ है। अब इसी प्रोग्राम को मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक क्लास के थ्रू बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी और डिस्ट्रक्टर विल बी यूज फॉर डीएलोकेटिंग द मेमोरी। ठीक है, तो देखो यहां पे जो क्लास बनाई है वो डेमो पीटीआर के नाम से बनाई है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, बस ऑब्जेक्ट का खेल दिखाऊंगा इसमें। देखो पब्लिक में मैंने एक पॉइंटर का वेरिएबल बनाया और वो कैरेक्टर टाइप का है, और फिर इसके लिए मेमोरी लोकेट करने के लिए एक एल साइज दे दिया है। इसमें एल जो साइज दिया है उस साइज के प्लस 1 के हिसाब से पीटीआर में मेमोरी लोकेट होगी ड्यू के थ्रू। ये काम किसका हुआ, कंस्ट्रक्टर का हुआ। डिस्ट्रक्टर यहां पे किससे, टिल्ड ऑपरेटर से अलग हो रहा है, डिलीट लगाया और पीटीआर लगा दिया, यानी कि जब काम खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर चल जाएगा और मेमोरी को रिलीज कर देगा। तो कंस्ट्रक्टर का और रियल डिस्ट्रक्टर का जो रियल यूज होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम पे। मेन में हमने एक स्ट्रिंग यूजर से मांगी और उसकी लेंथ कैलकुलेट करी। लेंथ कैलकुलेट करने के बाद अब मेमोरी एलोकेट करनी है मुझे उस पॉइंटर के लिए। तो मैंने एक पॉइंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस क्लास का, डेमो पीटीआर क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट में डाल दिया मैंने एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, डालने के बाद क्या किया, बस कंस्ट्रक्टर चल गया होगा, कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी एलोकेट कर दी होगी, और उसके बाद मैंने बिफोर कॉपी प्रिंट किया, तो ऑब्जेक्ट डॉट पीटीआर की जो वैल्यू प्रिंट करूंगा वो क्या आएगी, नल, वो
वो आएगी गार्बेज वैल्यू। इधर फिर मैंने strcpy से ऑब्जेक्ट डॉट ptr में क्या डाला, ptr किसका प्रॉपर्टी है, क्लास का, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा, स्टर की कॉपी मैंने ptr में डाल दी। और फिर आफ्टर कॉपी जब प्रिंट करने की कॉपी कोशिश की तो दोनों की वैल्यू सेम प्रिंट होगी। तो ये, और फिर जब ये काम खत्म हो चुका होगा तो मेन बंद होगा, जब मेन एग्जीक्यूशन बंद करेगा तो उस समय पे डिस्ट्रक्टर चलेगा और मेमोरी रिलीज यानी कि डिलीट के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इस काम को चलाने के लिए प्रोग्राम को मैं चला रहा हूं, मैंने यहां पे अपना नाम डाला pankaj, और डालने के बाद देखा तो देखो पहले तो गार्बेज आ रहा है और फिर उसके बाद आफ्टर कॉपी पंकज दो जगह पे आ रहा है। तो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेमोरी को कैसे एलोकेट किया जाता है और कैसे डीएलोकेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बस इसी को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको लेके आ रहा हूँ दिस पॉइंटर, तो दिस पॉइंटर अगले वीडियो में लेके मिलते हैं, और तब तक के लिए विश यू गुड लक।